नाम और परिचय बताएं। सर हमारा नाम शेर बहादुर है, घर दावतपुर है। और घटना हुई क्या है मैडम? सर ये सर जो वनवासी हैं जो कि एसटी में आते हैं, ये पैदल के रास्ते से जंगलों से होते हुए ये गेहूँ पिसा कर जा रहे थे, बीच में तेंदुए ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी गंभीर आई चोट आई है। इस समय क्या स्थिति? यही कि मतलब बनारस के लिए रेफर कर रहे हैं। सर दो ठो आपके यहाँ घायल आए हैं, क्या है? हाँ, हमारे यहाँ अभी अभी एक घंटे के अंदर दो लोग आए हैं, जिनको कि ये इनके साथ वाले बता रहे हैं कि तेंदुआ ये दाऊदपुर के पास में जो जंगल है वहाँ पर तेंदुए ने काटा है, और एक ही घंटे के अंदर में ये दोनों वारदातें हुई हैं, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं। जो पहला केस आया था वो कलावती 50 साल की फीमेल है, जिनको कि शरीर पर चोटें आई हैं, जो कि चोटें बहुत गंभीर नहीं है, और उनका हमने ड्रेसिंग करके और उपचार करके अपने यहाँ भर्ती कर लिया है। जो दूसरा केस आया है वो सरजू 62 साल उनका उम्र है, और उनको दोनों हाथों में ये गंभीर चोटें आ गई हैं, जिनको कि मैं प्राथमिक उपचार करने के बाद में इन्हों ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रिफर कर रहा हूँ। सर ग्रामीणों का आरोप है कि जंगली जानवरों द्वारा हमला किया गया, क्या है पूरा मामला? ये लगभग 4 बजे के आसपास हमारी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटा हुआ क्षेत्र है ग्राम दाऊदपुर, वहाँ की एक गरीब महिला बकरी चरा रही थी, वहीं पर जंगली जानवर द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें महिला घायल हो गई। घायल महिला को बचाने के चक्कर में उस गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बचाने का प्रयास किया, और उस जंगली जानवर ने उसको भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। दोनों घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए चकिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। जैसे ही इसकी सूचना मिली है, मैं स्वयं भी यहाँ पर आकर के उनकी दवा इलाज की जो भी व्यवस्था है की गई है, उनकी प्राथमिक चिकित्सा कर दी गई है, उनकी स्थिति बेहतर है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनके परिजनों को सहायता के लिए जो भी विभाग से अनुमन्य धनराशि है उसके लिए इनका प्रॉपर प्रार्थना पत्र कैसे आएगा ये बता दिया गया है। इनका प्रार्थना पत्र जैसे ही आता है डॉक्टर की रिपोर्ट और बाकी चीज़ों के साथ उसको उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा। शासन से जो निर्धारित व्यवस्था है उसके तरह इनके आदित्य मतलब